राजा है नित्य नियम से पूजा पाठ करे। माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाए पूजा पाठ के बाद ब्राह्मण। पीपल को भी सींचने जाए एक दिन पीपल सींचने आया। चमत्कार ऐसा हो जाए एक कन्या पीपल के नीचे। उस ब्राह्मण को बैठी पाए देख के वो ब्राह्मण को
खा जाए जितना पकाया उसने भोजन। सुनाते हैं पावन माँ का धाम।
यह बनते बिगड़े का है पावन माँ का धाम, यह बनते बिगड़े का। धर्म की धर्म रहा था, सभी देवताओं को थी फिर माँ की याद आई, सरस्वती लक्ष्मी और काली माँ तीनों आई। तीन देवियों ने मिलके कन्या का बनाया रूप, ना देखा और नहीं सुना कभी ऐसा था स्वरूप। हाथ जोड़ बोली कन्या, सुनाते हैं माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यह बनते बिगड़े का, है पावन माँ का धाम, यह बनते बिगड़े का। जन्म तुम जाके उनके घर, फिर कन्या ने तीनों के आदेश कमान किया, राजा रत्ना सागर के घर जाके जन्म लिया। त्रिकुटा और वैष्णवी उस कन्या का नाम पड़ा, अद्भुत कन्या जन्मी, राजा प्रसन्न हुआ है बड़ा। यज्ञ हवन भी करता शिकार, खेल खेल में राजा ने कई पशु पक्षी दिए मार, शौक में कई निर्दोष प्राणी मारे जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं समझाया, अगर अपना दे सकते हो निर्जीवों को प्राण, किस हक से फिर आप हो लेते इन जीवों की जान। बेटी के जो सुने विचार वो हर्षित बड़ा हुआ, वैष्णव धर्म का उस दिन से धरती पे जन्म हुआ। किसी का वध ना करना राजा हुक्म सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यह बनते बिगड़े का, है पावन माँ का धाम, यह बनते बिगड़े का। भक्ति के मार्ग पे कन्या का मन आया, करना है मुझको तप, माता पिता को समझाया। सुनकर बेटी के वचनों को माता हुई बेचैन, बिना तुम्हारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रहे।
कथा सुनाते हैं। माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। मात पिता की करने लगी प्रभु का ध्यान, अन जल उसने त्याग दिया छोड़े संसारिक काम, घोर तपस्या करने लगी वो रटे राम ही राम। राम लखन सीता के खोज में सागर तट आए, देख के कन्या की भक्ति को मन में हर्षाए। क्या चाहती हो हे कन्या तुम मुझको बतलाओ, बोली अर्धांगिनी रूप में मुझको अपनाओ। इस युग में पत्नी मेरी सीता राम बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। श्री राम के दर्शन करने भक्त लाखों आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। कुछ ही दूरी पर हंसाली एक गांव, माता का एक भक्त हुआ था जिसका श्रीधर नाम।
सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। भक्त श्रीधर के मन में कुछ पूछन चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। चिंता में पड़ जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। जननी माता तुम ही रखना मेरी लाज। कठिन परीक्षा है मेरी मुझको लगता है आज। घर घर जाकर निमंत्रण वो सबको दे आया। भैरव नाथ का डेरा भी था रस्ते में पाया। हाथ जोड़कर बोला कल भंडारा लगवाऊंगा। सारे गांव के संग आपको भोजन करवाऊंगा। बोले भैरव नाथ है श्रीधर क्या तुमने पाया। फूटी कौड़ी नहीं है कैसे भंडारा लाया। उस कन्या के बारे में श्रीधर बतलाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। श्रीधर की बात अचंभित भैरों बड़ा हुआ।
56 भोग देख के वो तो चकराए। कुटिया उतनी बढ़ जाती जितने जन आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। Love.
सुनाते हैं। शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।